सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजाओ। सिस्टम जय हिंद। नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों। दोस्तों आप देख रहे हैं बाबू अपनी आर्मी की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर अपने संस्थान इंदौर फिजिकल एकेडमी आए हैं और आज मेरे लिए हमारी पूरी टीम के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि कोई बंदा एक नॉर्मल आता है यहाँ पर और जब इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर यहाँ पर आता है तो हमें बड़ा गर्व होता है और बाबू को इंदौर फिजिकल एकेडमी संस्थान ब्रांड फौजी फैक्टरी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबू बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जानदार शानदार जिंदाबाद है और आज दोस्तों बाबू पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके यहां पर आए हैं। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है और हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अभिनय सिंह राजपूत से दोस्तों पूरा परिचय और अपना अनुभव शेयर करवाएंगे। तारा माला पहनाओ, पहले आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, एक बार जोरदार ताली बजाओ बाबू खींच के। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए ताली बजाओ यार, क्या बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय हिंद साथियों। जय हिंद। आज फाइनली मैं अपनी एकेडमी इंदौर फिजिकल एकेडमी और अपने गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि आज हम अपनी ड्रीम ड्रेस में आया हूँ वापस अपनी एकेडमी और अपने साथियों के पास, तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबू, गॉड ब्लेस। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, लग रहा है कि ऐसे जन्नत में घूम रहे हैं कहीं। अरे वाह, वेरी गुड। ये सब आपकी मेहनत है और इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये रुपए से नहीं मिलती है, मेहनत से मिलती है और इसके लिए जिगरा दिल चाहिए, समझ रहे हो? पत्थर दिल चाहिए और फौज की तैयारी करना भी कोई आसान बात नहीं है, समझ रहे हो? आपको पत्थर दिल बनाना पड़ता है, इसलिए बार बार बोलते हैं कि आसान नहीं होता है इंडियन आर्मी की वर्दी प्राप्त करना। इसके लिए जज्बातों को पिलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है मेरे दोस्त, मेहनत करना पड़ता है और आज बाबू पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी बाबू। क्या बोलना चाहेंगे आप सभी लोगों को, किस तरह मोटिवेट करना चाहेंगे दोस्तों? सबसे पहले मैं जब एकेडमी आया था तो हमारे पास टाइम भी कम था, 3 से 4 महीने का टाइम बचा था, तो हमारी टाइमिंग उस टाइम आ रही थी 6:50 आ रही थी जी। तो मैंने सर को बताया कि सर टाइम कम है और उस टाइम बच्चे भी जा रहे थे। सर बोले कोई नहीं, मैं फोकस रखेंगे आप पे। तो सर ने मुझे 3 महीने लगातार बारिश में प्रैक्टिस कराई, बहुत बारिश हो रही थी, फिर भी मेरा लास्ट टाइमिंग यहाँ 4:50 आया। तो मैं उसी दिन फाइनली, मैंने ये गलती नहीं की कि बंदे बहुत सारे होते हैं जैसे कल फिजिकल है तो उससे 10 दिन पहले घर चले जाते हैं जी। और वहाँ पे अरेस्ट करते तो टाइमिंग खराब हो जाती, तो हम उसी के एक दिन पहले यहाँ से निकले। सर के सर बोले आराम से जाओ, बढ़िया आशीर्वाद है। तो वहाँ पे हमने सर को रात में फ़ोन किया कि सर घबराहट हो रही है अब तो बहुत। सर बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो सुबह मैंने सर को जब फ़ोन किया तो मैंने रनिंग क्लियर करके सर के आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा रिटर्न आया तो सर का पूरा फोकस था और हमारे सर लोग भी काफ़ी फोकस किए। सर ने रात में 2 बजे तक एक्स्ट्रा क्लासेस चली, टीचर ने भी बहुत फोकस किया हम पे। और हम जब वहाँ एग्ज़ाम में बैठे तो लगा नहीं कि एग्ज़ाम देने आए, कोई ऐसे मॉडल पेपर कर रहे हैं प्रैक्टिस क्लास की तरह। तो वहाँ मैंने 50 में 50 क्वेश्चन किए, मैंने सर को कॉल किया कि सर मैं 50 में 50 मार दिए। सर बोला बेटा, और मैं अपने सभी यूट्यूब फैमिली से बोलना चाहूँगा जिसका भी फिजिकल है अभी 2 महीने या 3 महीने तो घबराए मत कि मेरा टाइम कम है, ऐसा कुछ होगा तो आप बिल्कुल बेफिक्र आइए। दुनिया की नंबर एक डिफेंस एकेडमी इंदौर फिजिकल एकेडमी, जिसे फौजी फैक्ट्री के नाम से जाना जा सकता है। अब आप समझे कि फैक्ट्री क्यों लगाया गया पीछे, फैक्ट्री का मतलब होता है कि फैक्ट्री में एक दो बंदे नहीं होते, हजारों की संख्या में होते हैं। तो इंदौर फिजिकल एकेडमी में एक दो फौजी नहीं, हजारों फौजी हैं। और जब फाइनल आप इंडियन आर्मी की वर्दी पहन कर आओ अपने घर पर गए
कैसा क्या लगा? बहुत बढ़िया फील हुआ सर। पापा बोले बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छे किए। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी इनको सबको क्या बोलना चाहेंगे आप? अर्जुन में आए, आप इसी तरह आप भी आए थे एक बार, तो इन सबको क्या बोलना चाहेंगे? सभी दोस्तों, अपने सभी साथियों से बोलना चाहेंगे कि आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। सबसे पहले जो आप इंदौर फिजिकल एकेडमी आए हुए हैं, तो आप सबसे पहले अपने जो माँ बाप ने आपसे जो उम्मीद से यहाँ भेजा है एकेडमी, उसको टूटने मत देना। आपको शुरू में 10-5 दिन अच्छा नहीं लगेगा, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, हॉस्टल में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप ये टारगेट को अपने माइंड में फिक्स रखना कि हमें वर्दी पानी है और माँ बाप के पास वर्दी के जाना है, तो आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। आप लोग सब लोग अच्छे से मेहनत करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दोनों टाइम ग्राउंड आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीने से नहा रहे हैं, तो एक दिन आप भी यहाँ पर इसी तरह वर्दी में खड़े रहेंगे, यही बोलना चाहूँगा। सभी को मेरा प्रणाम, जय हिंद। आइए साथियों, आप भी इंदौर फिजिकल एकेडमी और अपने सपनों को साकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।